हाय गाइस, वेलकम टू लाइफ ऑफ प्रेरणा। आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मैं और मेरी फैमिली नोएडा से दुबई की तरफ ट्रैवल करेंगे। ये देखिए, हमारे बोर्डिंग पास हमारे हाथों में आ गए हैं। हम लोगों ने प्लेन में उपमा ऑर्डर किया था, मम्मी वही पापा को खिला रही हैं। हम लोग फाइनली शारजा एयरपोर्ट पहुंच गए। हम लोगों को दुबई की फ़्लाइट थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रही थी, इसलिए हमने सोचा क्यों ना शारजा ऑप्ट करें और उसके बाद वहीं से बाय रोड हम दुबई चले जाएं। दुबई में पहुंचकर सेल्फी लेना तो मैंडेटरी है। हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन दुबई के लिए बहुत ही अच्छा था। दुबई हमें काफ़ी ज़्यादा क्लीन और सुंदर लगा। जब हम दुबई पहुंचे तो यहाँ का टेम्परेचर अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस था। फील्स लाइक में ये अराउंड 42 आता है, बट एसी में बैठकर सब कुछ अच्छा लग रहा था। अब हम शारजा एयरपोर्ट से दुबई एयरपोर्ट की तरफ आ चुके हैं। पहले तो मम्मी पापा को लगा यही बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है, फिर मैंने उनको बताया ये बुर्ज खलीफा नहीं है। आपको बुर्ज खलीफा आगे दिखाती हूँ। हम लोग फाइनली अपने होटल वाली रोड पे पहुंच गए। हमने दुबई में सिटी मैक्स होटल बुक किया था, जो काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल है और साथ ही साथ इंडियंस के लिए यहाँ पे फूड वगैरह और साथ ही साथ लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आइए मैं आपको अपना होटल रूम दिखाती हूँ। हमने अपने लिए एक ही होटल रूम बुक किया था बिकॉज इसमें 3 बेड्स की फैसिलिटी थी और हमें लगा कि ज़्यादातर टाइम तो हम बाहर घूमने में ही रहेंगे, तो क्यों 2 रूम लें, बल्कि एक ही रूम में हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर एक डबल बेड और एक सिंगल बेड है और बाकी सारी एमिनिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। बेस्ट पार्ट तो रूम का था कि आपको अपने रूम से ही बुर्ज खलीफा और बाकी छोटे मोटे जो मॉन्यूमेंट्स हैं दुबई में वो दिखेंगे। इस टाइम पे शाम हो गई थी तो हमने सोचा क्यों ना एक कप ऑफ टी एंजॉय करें और उसके बाद हम लोग शाम में बाहर दुबई को एक्सप्लोर करने के लिए चले गए। दुबई की एक चीज़ जो हमको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो है ये कि रात में सभी बिल्डिंग्स को इतना सुंदर डेकोरेट करते हैं। हम लोग ने डिनर के लिए कामत रेस्टोरेंट को चूज़ किया था, जो एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। वहाँ पर हमने डोसा ऑर्डर किया जो हमें बहुत अच्छा लगा। इधर देखो, हंसो। यादगार के लिए मैंने मम्मा पापा की कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पे स्ट्रीट पे खींची। काफ़ी गर्मी थी इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी अंदर सोने के लिए चले गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।